हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो इंडिया के अंदर हैं हम जिन्हें इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं ठीक है उसके बारे में हम बात करेंगे ये क्या है और ये कौन से वाले रिफ्यूज़ हैं जैसा कि आपको पता है पहले मैं आपको मैप से बता देती हूँ रोहिंग्या रिफ्यूजिज़ कहाँ से आए और इंडिया में इनका क्या कनेक्शन देखने को मिल रहा है आपको दिख रहा है ये म्यांमार है म्यांमार में दो में ठीक है मिलिट्री के साथ इनके साथ मुठभेद हो गई थी लड़ाई वगैरह हो गई थी जिसने क्या कहता था मिलिट्री ने है ना इनको बहुत बुरी तरह से मारा था किनको जो हमारे रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं इनको तो इन्होंने क्या कहता था 2017 में ये में यहाँ से भाग के मतलब दस हज़ार से ज़्यादा और मैक्सिमम मैक्सिमम ट्वेंटी थाउजेंड रिफ्यूजीज हैं जो हमारे इंडिया के अंदर आ गए थे तो ये म्यांमार से निकल के ना आधे वेस्ट बंगाल में आ गए थे बांग्लादेश में त्रिपुरा मिजोरम मतलब इन सारे एरिया में आपको ये सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स देख मतलब रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ देखने को मिल रहा है और कुछ हमारे थाईलैंड कंबोडिया इस साइड चले गए थे तो ये हमारा न्यूज़ में है अब आप ये सोचो कि ये हमारे न्यूज़ में है क्यों तो और इवन आपको पता है ये जो इसमें एक और जगह का नाम आपको दिख रहा होगा मेंशन है यहाँ पे जो राखीना प्रोविनेंस यहां पे ही रहते थे और यहाँ पे मतलब ये बहुत कम माइनॉरिटी है बहुत कम माइनॉरिटी उसमें देखने को मिलते तो इस एरिया से इन सबको भगा दिया था और जो आज के टाइम में इवन वर्ल्ड के अंदर इन्हें ना एक तरह से रिफ्यूजीज माना जाता है ठीक है इनको कोई कहीं पे कोई है ही नहीं कि इनको कोई इसी चीज़ में कोई कर, अपने देश में रहने दे या इनको कोई अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसकी जो शॉर्ट में इसका जो कॉन्टेक्सट है ना ये यही है अब हमारा इसमें बात चलते हैं कि रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज हैं इनका क्या हो क्यों रहा है

तो जैसे कि आपको पता है इसकी रिपोर्ट आई है जिसमें क्या कहा गया है इंडिया जो है ना इसको रिफ्यूजीज को रोहिंगा रिफ्यूजीज को इलीगल माइग्रेंट मानती है और तो वो इसको इलीगल माइग्रेंट क्यों मान रहे हैं हम इसको रिफ्यूजीज का दर्जा क्यों नहीं दे रहे है? ठीक है जो हमारी ये रिपोर्ट किसने तैयार किया जिसने ये बोला है कि हम आ, आ, वो मानते हैं जो हमारी आज़ादी आज़ादी की रिपोर्ट हो गई वुमेन राइट की रिपोर्ट हो गई इवन रिफ्यूजीज इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है इन सब की रिपोर्ट है ठीक है इन्होंने ये रिपोर्ट दी कि हमें इन्हें लीगल माइग्रेंट मानना बंद करना चाहिए और हमें इन्हें भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और ये हमारा मुद्दा अभी क्यों आ रहा है मुद्दा ये इसलिए आ रहा है आपको पता है जी ट्वेंटी को इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है अब इंडिया जी ट्वेंटी को होस्ट कर रहा है तो लोग कह रहे हैं जो अदर कंट्री है वो कह रहे हैं कि हमें है ना इस मुद्दे को उठाना चाहिए और कहना चाहिए जो अदर जो यूरोपियन कंट्री है ना वहाँ पे है ना इनको रहने के लिए फैसिलिटी दिलवानी चाहिए और इवन इंडिया को इनको एज़ अ इलीगल माइग्रेंट ना मान के इन्हें रिफ्यूजीज़ मानना चाहिए और इनको ना और जो फैसिलिटीज़ है ना सब प्रोवाइड करनी चाहिए लाइक राइट टू तो एजुकेशन रा, लाइक राइट टू तो लिविंग राइट टू तो क्लीन वाटर सारी की सारी फैसिलिटीज़ इनको मिलनी चाहिए इवन इन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए तो क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी इंडिया में नहीं मिल रही इन लोगों को इसलिए ये हमारा न्यूज़ में है अब लाइक इसका कंटेक्सट ही बात कर लेते हैं हम जैसे ये इसके अंदर हमारी ये सारी सारी बातें किसने कही है जो हमारी यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूज़ ये हमारी यू एच सी आर है इसने कहा है कि आ, ये हमें फोर्स कर रहा है इंडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि इंडिया को है ना इनको सारे के सारी चीज़ें ना अलाउ कर देनी चाहिए ठीक है इनको अलाउ करनी चाहिए इनकी जितनी इनका हक है ना इनको सारे की सारी चीज़ें देनी चाहिए चीज़े, एज ए इनकी रिफ्यूजीज मांगना चाहिए हमें इलीगल माइग्रेंट नहीं मानना तो आपको पता है इंडिया यू एन एच सी आर का पार्ट नहीं है इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दिस जो भी ये है कमिटी तो इंडिया ने मना कर दे कि हम क्यों माने हम ये अपने हिसाब से देखेंगे ना तो ये हमारे हाथ में हम माने या ना माने तो ये सारी चीज़ें चल रही है ठीक है और जो यू है हमारा इसने ये सारी चीज़ें बोलिए जो कि मैंने आपको बता दिया अब ये यू एन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो ये हमारी उन्नीस में बनी थी उस टाइम पर जो मिलियंस ऑफ यूरोपियंस को निकाल दिया गया था ना तो उनके लिए बनाई गई थी कि उनको क्या है अच्छे से कहीं पे कोई शरणार्थियों की तरह रख सके उन्हें होम्स मिल जाए ठीक है उनके लिए इसका हेडक्वार्टर हमारे जेनेवा और स्विट्जरलैंड में और इंडिया इसका पार्ट नहीं है अब रोहिंग्या मुस्लिम के बारे में मैंने बता दिया ये हमारी यूनाइटेड नेशन ने जो डिफाइन किया ना इसकी डेफिनेशन ये कौन है ये एक तरह से वो माइनॉरिटी है जो कि पूरे वर्ल्ड में परसिक्यूटेड माइनॉरिटी जिसको मतलब बहुत ज्यादा जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है सताया जाता है मारपीट की जाती है ठीक है इवन इनके 2017 में जो हॉम हमारे से निकले थे वो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में ही देखने को मिलते हैं और इसको डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस Uh, कितना ट्रीट किए जाते हैं कभी भी इनको फैसिलिटी या इन्हें कहीं भी मतलब इनकी कोई जगह ही नहीं है तो इसके लिए ये सारी बात कर रहे हैं कि रूप में जितनी भी जगह है उनमें इनको बसाया जा सकता है और हमें इनके बारे में भी सोचना चाहिए तो ये सारी की सारी बातें और ये अभी न्यूज़ में इसलिए है जो जी को इंडिया होस्ट कर रहा है कि इंडिया को इसमें ये बात उठानी चाहिए और इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन uh, निकालना चाहिए आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो